आप ये सोचो आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप एक चोर हो, चोर अंजलि चौहान चोर, 5,000 रुपए क्या 50। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप लोग निशा लांबा को तो बहुत अच्छी तरीके से ही जानते होंगे, उनके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लाखों से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप ये सोचो आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप एक चोर हो, चोर अंजलि चौहान चोर, 5,000 रुपए क्या 50। ट्वीट दिखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं गुस्से वाली हूँ भाई, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं किसी का नहीं खाती और मेरा खाया जाएगा। मैं किसी के बुरा नहीं करती पर मेरा बुरा किया जाएगा तो मुझे गुस्सा आता है। और प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, फेस का क्रीम, नाइट क्रीम चाहिए मेरे को, और मेरे को फेस वॉश चाहिए, ये आपका पैकेज मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैडम, हम आपको देंगे, इतना टोटल बनता है। बोले नहीं, मैं आपका वीडियो चढ़ाएंगे अपने पब्लिक में, आपका प्रमोशन ऐड करेंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं मैम, आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। प्रोडक्ट हमने यहाँ से कोरियर करवा दिया, मैंने कॉल नहीं की थी, प्रूफ आपको वीडियो में दिख गया, मैंने कॉल नहीं की थी, मैं नहीं करती भाई, मुझे जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट को बुलाया गया, एक महीने से ऊपर प्रोडक्ट उनके हाथ में है, एक महीने से ऊपर प्रोडक्ट उनके हाथ में है, बंदी फोन नहीं उठा रही। मैं कह मैडम आप ये प्रोडक्ट मुझे वापस दे दो, आपको नहीं बनाने, कोई बात नहीं, मुझे मेरा प्रोडक्ट वापस दे दो। तो बोला गया प्रोडक्ट खुल गया। प्रोडक्ट ऐसे कैसे खुला? खोला, इस्तेमाल किया। मैं कहा चलो मैम वीडियो दे दो, अब तो चाहे मैं ये वीडियो बना। प्रोडक्ट गलत हो तो एक महीने से प्रोडक्ट आपकी पॉकेट में क्या कर रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, दो ना वापस हैं, दो मुझे वापस, ठीक है। वो प्रोडक्ट यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, 25 दिन मैंने उनका इंतजार किया, उसके बाद मैंने उनको फोन करके कहा कि मेरा प्रोडक्ट वापस दो। तो आप लोगों की प्यारी प्यारी अंजलि चौहान जी ने, यस लव अंजलि चौहान, आई एम टेलिंग यू द नेम, 2 मिलियन फॉलोवर लेके बैठी हुई है और मुझसे पैसे मांगती है, फोन लाइए, मुझसे पैसे मांगती है 5,000 रुपये वीडियो चढ़ाने के, प्रोडक्ट के। एक महीना प्रोडक्ट क्यों रखा गया, प्रोडक्ट क्यों रखा गया एक महीना? मैंने तो फोन करके नहीं बोला था खरीदो मेरा प्रोडक्ट, आपको इस्तेमाल करना था, आपको वो पब्लिक का इस्तेमाल करना था। मैंने तो नहीं कहा था अपनी पब्लिक, क्योंकि मुझे पेड प्रमोशन करना है, मुझे पता मैं अच्छा ही हूँ, मुझे जरूरत होगी तो मैं करूँगी, नहीं जरूरत होगी तो नहीं करूँगी। आज तक तो मेरे से तो इतने लोग हैं, किसी ने भी पेड प्रमोशन के बारे में बात ही नहीं की, कोई नहीं करता क्योंकि क्वालिटी देते हैं हम लोग, सब आते हैं। आप लोग सोचते हो पेड प्रमोशन होता, बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं होता, काम क्वालिटी नाम से आते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े लोग और क्लाइंट आते हैं, इतनी बुरी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, किसी को पैसा नहीं दिया मैंने, क्यों दूं पैसा भाई। आप ये सोच रहे हो कि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, यहाँ पे मेरे अकेडमी के बच्चों को इकट्ठा करके आप शॉट मरवाते हो, आप ये सोचो आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप एक चोर हो, चोर अंजलि चौहान चोर, 5,000 रुपए क्या 50 लगा दूं, निशा लांबा हूं मैं, बट सही इंसान पे लगाओ, चोरों पे नहीं। अंजलि चौहान एक चोर है, प्रूफ वीडियो में दे दिया गया है, 5,000। तो गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि निशा लांबा ने अंजलि चौहान पर चोरी का आरोप लगाया है। अब आइए आपको बताते हैं कि अंजलि चौहान ने इसका क्या जवाब दिया है। अपनी अम्मा के सर की कसम खा रही हूँ, यही है मेरे पास, मेरे भाव जी भी नहीं है, यही है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसको कुछ हो जाए, मैं इसकी आपको कोई बोले गवार है, दिहाती है, आप लोग उनके साथ काम करना पसंद करेंगे? तो इसको मैंने खोला तक नहीं है, अगर मेरा रखने का मकसद रहता तो इसको मैं यूज करती, इतना मुझे सुंदर बनना रहता, इतना मुझे गोरा होना रहता, तो 4,000 चुरा के मैं क्या करूंगी,
मेरी यही अब यही मेरी औकात है कि मैं चोरी करूं। मुझे बहुत डिप्रेशन में डाल रहे हैं। प्लीज आप ही लोग बताओ मुझे मैं कहाँ गलत हूँ। इसमें से एक दिन सिर्फ मैंने यूज किया, वो भी चेक करने के लिए। आप देख लो एकदम भरा पड़ा है। देखो आप लोग में मेरे आईडी में जाके देखिए, 10-10, 15-15 कोलैब भरा है इसने इस औरत की वीडियो से। मैंने उस औरत को रात में ही मैसेज डलवाया कि मैं ये तुम्हारा क्रीम बेच रही, एक क्रीम मैंने यूज किया है, इसका मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, सारा स्क्रीनशॉट आप लोग। तो आप लोग अंजलि चौहान को तो जानते ही होंगे, जो कि अपने डांस के लिए बहुत ही मशहूर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है, जिसके 2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टा पर होने वाले हैं, वो क्या ऐसी हरकत कर सकता है? यार कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर 4-5 हजार की चोरी क्या करेगा? मुझे तो सुनकर तो बहुत ही शॉक्ड लगा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अंजलि चौहान अभी हाल ही में हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए निशा लांबा के पास गई थी। उसके बाद हाल ही में अंजलि चौहान ने निशा लांबा को कॉल करके कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाए थे। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा इस पर अंजलि चौहान का क्या कहना है। गाइस मैं तो इतना कंफ्यूज हो गया हूँ, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। आप लोग ही कमेंट करके बताइए आपको कौन सही लग रहा है, या निशा लांबा या अंजलि चौहान।